हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल शबीम व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम हमारे न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बैठी हूँ ऑटो में। सो हम जा रहे हैं मुरुंड। सो फ्रेंड्स, आप लोग एंड तक हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मेरी कज़िन आई हुई है पुणे से, उनकी बेटी यानी मेरी नीस। सो हम सब जा रहे हैं पानीपुरी खाने मुरुंड का। स्पेशली मुरुंड का पानीपुरी हम लोग खाने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को आई थिंक बताया है कि हमारे मुरुंड का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही फेमस है। सो हमने जो है मुरुंड में एंटर कर लिया है और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी है दिवाली फेस्टिवल एंड दिवाली फेस्टिवल इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो हर जगह जो है दिवाली की रौनकें लगी हुई हैं, दिवाली की धूम मची हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये दियाज मिल रहे हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करे। हर वैराइटीज़ के दियाज हैं यहाँ पर और हर साइज़ के भी, जो बहुत ही प्यारे और क्यूट लग रहे थे, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हर जगह जो है यू नो दियाज, क्रैकर्स, स्वीट्स एंड ऑल, ये सब हर जगह यही सब मिल रहा है। दिवाली की रौनकें लगी हुई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो नॉन मुस्लिम एरिया में हम लोग रहते थे, वहाँ पे हर रिलीजन के लोग थे, हिंदू भी, मुस्लिम्स भी, क्रिश्चियंस भी। तो हम लोग सब लोग एक दूसरे का फेस्टिवल जो था वो सेलिब्रेट करते थे, बहुत मज़ा आता था। और दिवाली में जो स्वीट्स बनती है, करंजी वगैरह जो घर में बनती है, सो वो लोग हमारे घर में देते थे। हम लोग ईद में जो सेवैयाँ वगैरह बनती थी, हम लोग उनके घर देते थे। सो सब मिलजुल कर एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सब लोग बहुत प्यार से रहते माशाल्लाह। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है कलर्स मिल रही हैं रंगोली के लिए, जो घरों के बाहर रंगोली डेकोरेट किया जाता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर भी सब दियाज वगैरह मिल रहा है एंड क्रैकर्स वगैरह मिल रहे हैं, लैंटर्न्स मिल रहे हैं हर जगह, यू नो हर जगह जो है वो दिवाली की ही रौनकें लगी हुई हैं। सो मैंने सोचा मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि हमारे मुलुंड में तो और भी ज़्यादा रौनकें होती हैं, वैसे तो हर जगह ही है। और अब मैं ये वाला शूट कर रही हूँ, यहाँ पर जो है क्रैकर्स मिल रहे हैं। बचपन में मैं भी बहुत क्रैकर से खेलती थी, मुझे याद है। बाकायदा मैं स्पेशली मैं भी परचेस करती थी, क्योंकि मेरे जो सारे फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब नॉन मुस्लिम्स थे, तो हम लोग सब लोग मिलजुल कर हर एक क्रैकर्स को जलाते थे, जो बहुत ही मज़ा आता था, मुझे अभी भी याद है। और ये है स्वर्ण प्लाज़ा, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स होंगे, जो मेरा व्लॉग था, मैंने चेन परचेस किया था इस शॉप से। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने गोल्ड्स वगैरह नहीं ली हूँ। लेट्स सी, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं लूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर हर शॉप। और इस शॉप से मैं अक्सर करके इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस लेती हूँ, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे इंडो वेस्टर्न मिलते हैं। कभी कभी तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, कभी कभी नहीं भी रहते, डिपेंड करता है। सो अभी भी तो मैंने एंटर कर लिया, लेकिन लेट्स सी कि मैं लेती हूँ या नहीं लेती हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मैं लूँगी, नहीं तो मैं नहीं लूँगी। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो बस मैं मुलुंड आई हूँ तो इस शॉप पर भी मैं आई हूँ। मैं अक्सर जब मुलुंड आती हूँ तो इस शॉप पर मैं आके चेक करती हूँ कुछ एंटिक आया है या नहीं आया है। और ये थोड़ा जो ऑरेंज फ्रॉक मुझे पसंद आया था, गाउन है लेकिन इसका कलर बहुत ही मेरे आँखों में चुभ रहा था। हालाँकि मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है, बट इसमें क्रीम कलर भी था जो कि ये है। पहले तो मैंने सोचा मैं इसे परचेस कर लूँ, फिर मैं आगे पीछे होती रही, उन्होंने पैक भी कर दिया था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी शॉप से नहीं लिया, खाली मैं देखती रह गई, विंडो शॉपिंग कर रही थी मैं। हालांकि मेरा इरादा था मैं वो क्रीम वाला गाउन लूँ, बट यू नो पैक करवा के फिर मैंने उसे कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं कुछ शॉपिंग करूँगी। सो फाइनली मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने क्रीम वाला ड्रेस पैक करके भी नहीं लिया। सो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया है आज, मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं करी है। और अब हम जा रहे हैं पानीपुरी खाने के लिए। हम पानीपुरी खाएंगे और फ़ौरन घर चले जाएंगे, क्योंकि आज हम लोगों को शादी में भी जाना है। और शादी में वैसे पानीपुरी का स्टॉल तो हो गई, लेकिन यू नो पानीपुरी शादी में खाना लाइन लगा के, इट्स वेरी इरीटेटिंग फॉर मी, तो मैं तो वहाँ पर नहीं खाऊँगी। हम लोग तो यहीं पर खाएंगे, और हम स्पेशली पानीपुरी खाने आए थे, और यहाँ आकर स्पेशली पानीपुरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो अब हम पानीपुरी खाएंगे, और मेरा तो अभी दिल कर रहा है कि मैं सेव पूरी भी खाऊं। लेट्स सी, जहाँ तक है कि मैं खाऊंगी सेव पूरी भी टेस्ट करूंगी। मेरा मन कर रहा है, बना रहे तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है देखकर, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो अब हम जा रहे हैं पानीपुरी खाने, और हम लोग जो है पानीपुरी को इन्जॉय करेंगे और आप लोग हमारे वीडियो को इन्जॉय करें। Thank you.
पूरी एंड सेव पूरी खा लिया है और पानी पूरी एंड सेव पूरी बहुत ही यमी था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बहुत इन्जॉय किया। और अब हम जा रहे हैं घर। सो हम लोग ऑटो के लिए वेट कर रहे थे और यहाँ इस शॉप में जो है ये सब कुछ रखा हुआ है जो बहुत ही ब्यूटीफुली पैक किया गया है। इसमें है ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, जूस के बॉटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो दिवाली में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए गिफ्ट। सो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने इसकी भी वीडियो ले ली ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ऑल्सो हिट अ बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।